हलो असलैक माय यूट्यूब फैमिली आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार स्पेशल चाइनीज़ पकोड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपने एक कप बेसन लेना है उसके अंदर आप फिर शामिल करेंगे एक कप मैदा ठीक है इसके साथ साथ आपने क्या करना है एक कप चिकन लेना है उसकी यखनी तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपने उसको बॉयल पे छोड़ देना है और जैसे ही वो अतकनी हो जाए उसके बाद आप जो यखनी की कंसिस्टेंसी आपको दिखने लगे तो आपने उसे कप में मुंतकिल कर देना है और जो चिकन है वो आपने श्रेड करके क्योंकि उसमें डाला है तो चिकन को फिर उसमें से निकाल के आप या तो श्रेड कर लें या पहले ही श्रेडेड डाल दें और फिर उस चिकन को आपने साइड पर रख लेना खैर वापस आते हैं हमने मैदा और बेसन शामिल किया था अब हम इसमें एक टेबल स्पून का काली काली मिर्च एक टेबल स्पून काल, नमक और एक टेबल स्पून हमने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल किया इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम ठीक है अच्छा ये देखिए आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है ठीक है और साथ साथ आपका यखनी उबल रही होगी उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा ठीक है अच्छा अब यादेगा कि यखनी का पानी देखें हमने सिर्फ अलग किया है और उसमें से चिकन को हम बिल्कुल अलग कर देंगे उसको हम श्रेड करके करेंगे उसको भी हम बाद में शामिल करेंगे लेकिन पहले आपने यखनी का पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है एक कप मैं लूँगी यखनी लेकिन उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और ये देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दी जाऊँगी ठीक है फिर थोड़ा और शामिल करूँगी फिर इसको मिक्स करूँगी और ये देखिए ठीक है और ये हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें अच्छे तरीके से जयका जो है वो जज्ब हो जाए ये देखिए ठीक है अच्छा ये देखिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल बैटर बना लेना है इसमें फिर आपने अपना चिकन शामिल करना है चिकन हमने कितना लिया था हम चिकन जो है वो आप एक कप ले सकते हैं जो कि हमने यखनी वाला अलग किया था फिर आपने शिमला मिर्च एक कप ऐड करनी है इसमें शिमला मिर्च के बाद आप इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे एक कप छोटी बंद गोभी ले लीजिएगा तकरीबन एक कप ही आपकी बन जाएगी आपने एक कप जो है इसमें गाजर जो है अच्छी तरीके से श्रेडेड जो है वो डालनी है याद रखिएगा तमाम चीज़ों को आपने श्रेडेड इस तरीके से करना है इसको इतने अच्छे तरीके से जो वनाइल में काट लेना है उसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा आपकी मर्ज़ी या आप पानी शामिल करना चाहें ज़्यादा या नहीं करना चाहें मैं थोड़ा बहुत पानी शामिल करती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये सब मिक्स हो जाए इसमें फिर आपने एक कप प्याज़ शामिल करना है प्याज़ आप बारीक भी काट सकते हैं इस साइड के काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके प्याज फिर आपके जो पकोड़े हैं उसके साथ आपके मुंह में शामिल होंगे दो अंडे इसमें शामिल करेंगे उबले हुए और इसके अंदर एक कप मैंने आलू शामिल किए हैं आलू को थिनली स्लाइस करना है गाजर को भी थिनली स्लाइस करेंगे आप तमाम सब्जियों को हम थिनली स्लाइस करके डालते हैं ताकि अच्छी तरीके से वो पक जाए और कुछ कच्चा ना बचे इसमें फिर आपने अद, अद, अद गट्टी जो है वो धनिया शामिल करना है और तीन से चार हरी मिर्ची शामिल करेंगे आप इसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ठीक है और इसको आपने मैरिनेट करना है आधे घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे अच्छा ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप कीमा भी डाल सकते हैं चिकन की तरह जगह लीजिए मेरे घर में कीमा लोग नहीं खाते तो इसलिए चिकन शामिल करते हैं इसको आपने अच्छे से मीडियम फ्लेम ये देखिए पकौड़े तलते जाएंगे हम और ये बहुत खूबसूरत कलर छोड़ेगा मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा तो अंदर तक पक जाएंगे मैं भी पहले तेज़ फ्लेम पे बनाती थी ये जल्दी होती है <laughs> लेकिन फिर वो पकते नहीं हैं सही अब देखिए देखिए बेहतरीन ठीक है ये सुनहरी होने लगेंगे तो आपने इसको फिर पलट देना ये देखिए खूबसूरत बहुत मज़ेदार बनते हैं आप इसे इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू टेक केयर